आपके रैयत गांव के ददरा टोला में पहले क्या समस्या थी और अभी क्या बदलाव आया है उसके बारे में बताइए दीदी। हमारे ददरा टोला रैयत में लाइट की परेशानी बहुत रहे। फिर बोले हम लोग सरोज दीदी से वीडियो बनवाए, फिर वो अपने अधिकारियों को दिए लिख के आगे बढ़ाए, फिर खम्हम गड़वाए, फिर वहाँ बिजली बिजली के व्यवस्था हो गई। अब बहुत परेशानी में रहन, पहले अंधेला में टार्च आर्च जला जला के, और अब आ गए लाइट की व्यवस्था हो गई, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। इस समस्या के बारे में आपको कैसे पता चला था? हाँ, मैंने वीडियो देखा था और हम सामुदायिक संवाददाता सरोज परस्ते वर्तमान में जनपद सदस्य हैं, वो उन्होंने हम तक जानकारी पहुंचाई थी। मैंने वीडियो देखा और वहाँ की जो समस्याएं हैं, परेशानी है, अंधेरे में लोग रह रहे हैं, गांव की यानी छोटे छोटे घर हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आके अचानक लग जाती है और लाइट ना रहने के कारण तो और भी गंभीर समस्याएं आ सकती है। तो मैंने ये सारी चीज़ देख के विद्युत विभाग के SDO को बुलाया अपने चैम्बर में और उन्हें ये सारी चीज़ों से अवगत कराया और उन्हें बोला कि जाइए और ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करवाइए। विद्युत विभाग के अधिकारी जाकर वहाँ निरीक्षण किए और फिर अपने कर्मचारियों को भेजकर वहाँ की लाइट की व्यवस्था को ठीक किया गया। जो गांव की परेशानी थी वो हल हो चुकी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमारी सरोज परस्ती को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ग्राम पंचायत पिपरियामाल के पोषक ग्राम कौआझीर रैयत में 25 साल पूर्व से लाइट की समस्या थी, जिसको लेकर 6/2/2019 को एक मोजो वीडियो बनाया था और बदलाव के लिए प्रयास किया। हमने समुदाय के साथ मीटिंग एवं वीडियो स्क्रीनिंग किया और ग्राम पंचायत सचिव को समस्या से अवगत कराया, जिसमें सचिव द्वारा विद्युत विभाग में आवेदन दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने BJP जिला महामंत्री बबलू अवधिया को और विद्युत विभाग के JE साहब को वीडियो भेजा, जिसमें हमें विद्युत ऑफिस बुलाया गया। तब उन्होंने बताया कि विद्युत कनेक्शन अब ठेकेदारी में चला गया है, जिसको ठेका मिला है उनका नंबर देते हैं, आप उनसे बात कीजिए। उस समय हम सरपंच थे, हमने ठेकेदार से बात किया और उन्हें एक आवेदन दिया, जिसमें ठेकेदार द्वारा बिजली पोल लगाए लेकिन लाइट कनेक्शन बाकी था। इस समस्या को लेकर हमने ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका आर्मो जी को भी एप्लीकेशन दिया, जिसमें उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से चर्चा किया एवं उन्हें निरीक्षण करने के लिए बोला गया, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारी निरीक्षण के लिए गांव आए और सर्वे रिपोर्ट तैयार किया गया। आदेश मिलते ही ठेकेदार के द्वारा बिजली पोल लगाए गए। अब लाइट कनेक्शन हो चुका है, जिससे लोगों को लाइट मिलना शुरू हो गया है। अब यहाँ के 20 परिवारों के 100 लोगों को इसका फायदा हुआ है।